गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि एक ही मात्रा चिमचिम चिड़िया, तो अभी ई का अभ्यास हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अभ्यास, उचित स्थान पर ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा, इधर देखिए ई की मात्रा को लगाकर शब्द को पूरा करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए दिल, दिल जो है यहाँ पे ई की मात्रा लगाई गई है, यहाँ पे है ई की मात्रा लगाना है, ठीक है। यहाँ है निशा, ई की मात्रा आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लगाइए। ये देखिए दिन, ये देखिए पिन, यहाँ पे देखिए ई की मात्रा कवि, इसके बाद गति, इसके बाद हरी, इसके बाद किला, ठीक है। यहाँ सबको आपको ई की मात्रा लगानी है। ये देखिए टिकट, निकट, किवाड़, किसान, दलिया, धनिया, ठीक है। यहाँ देखिए सबको ई की मात्रा मैं कैसे लगा रही हूँ, देखिए उस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट बुक में लगाना है। इसके बाद ये हो गया तकिया, मालिश ऑलरेडी मैंने बनाया है, नारियल, पिकनिक, पिकनिक, शनिवार, साइकिल, ये हो गए आ की, माफ़ कीजिए ई की मात्रा, ई की मात्रा ये छोटी ई है, अ अ आ ई, यानी कि स्वर में से तीसरा अक्षर जो है ई, वो ये की मात्रा या ऐसी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चित्र को उनके नाम से सही मिलाएं, चित्र को उनके सही नाम से मिलाइए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं दोनों तरफ और यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये जो है दोनों चित्र है, यहाँ पे नाम है। तो अभी आपको यहाँ मुझे तो ये चिड़िया लग रही है, ये चिड़िया है, ये जिराफ है और ये गिलास है, ये हिरन है, ये सितारा है और ये टिकट है, ठीक है। अभी इसको हमें जोड़कर उनके नाम के साथ लिखना है। देखिए मुझे तो ये चिड़िया नज़र आ रही है, तो यहाँ पे है ये है गिलास है, ये है सितारा है, ये है टिकट है, यह है चिड़िया है, यहाँ है जिराफ है, यहाँ है हिरन। तो यहाँ पे मुझे चिड़िया कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे चिड़िया यहाँ पे दिख रही है, तो मैं इसको मैच करती हूँ, ठीक है। ये है चिड़िया, उसके बाद जो है दूसरा वाला क्या है, जिराफ, जिराफ जो है कहाँ है, यहाँ है, गिलास, सितार, टिकट, चिड़िया, जिराफ, हिरन, ठीक है। यहाँ पे जिराफ है तो मैं इसको यहाँ से जोड़ देती हूँ। अभी तीसरा वाला जो है वो है गिलास, गिलास कहाँ पे है, पहला वाला जो है वो है गिलास, ठीक है। अभी इस तरफ आइए, ठीक है, यह मुझे दिख रहा है हिरन, हिरन कहाँ है, हिरन अंत में है, देखिए अंत वाला शब्द है। और ये है सितारा, सितारा कहाँ है, जो दूसरा वाला नंबर अक्षर पे है। इसके बाद क्या है, टिकट, टिकट कहाँ पे है, यहाँ देखिए तीसरा नंबर पे है। ये हो गया मैच द फॉलोइंग और जोड़कर लिखे नाम के साथ सही अक्षर को मिलाया है और चित्र को सही पहचाना है। चलिए ये हो गया ई का अभ्यास, अभी बड़ी ई का अभ्यास सीखते हैं, ठीक है। बड़ी ई का अभ्यास यानी कि स्वर का, ये देखिए अ आ, माफ़ कीजिए ई, ई, अभी ई का अभ्यास, बड़ी ई का अभ्यास, तो हमें बड़ी ई का अभ्यास करना है तो अभी ई की मात्रा को जानना है। ये है बड़ी ई की मात्रा, यहाँ आती है मात्रा ऐसे, ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ देखिए
ठीक है, एक ही मात्रा। तो यहाँ पे मैं आपको ये शब्द जो है पढ़कर बताऊंगी, आपको भी उसी तरीके से घर में दोहराना है। ठीक है, पहला वाला अक्षर जो है वो है मीता, पहला वाला जो अक्षर है वो है मीता। दूसरा वाला जो है सीता, गीता, नीला, पीला, डाली, माटी, चाबी, हाथी, थाली, ककड़ी, मकड़ी, बकरी, पकड़ी, आसमानी, चपरासी, नाशपाती, नाशपाती और शरारती। ये हो गए ई की मात्रा से बने हुए शब्द। अभी यहाँ पे ई से मात्रा से बने हुए ये जो एक पाठ है वो आज हम सीखेंगे। दादी नदी पर गई, मटका भरकर पानी लाई, मई का महीना आया, नाशपाती भी पक गया, 20 दिन बाद दादी आएगी, खीर पकाएगी, सीता आ, मिठाई और पपीता खा, नेता अपनी बकरी पकड़, छड़ी मत दिखा, बकरी डर जाएगी। यहाँ क्या है, सभी ई की मात्रा लगाकर बनाए हुए अक्षर हैं। देखिए यहाँ पे ये भी ई की मात्रा है, ये भी ई की मात्रा है, ये भी ई की मात्रा है। यहाँ देखिए ई ए स्वर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर देखिए पानी, यह देखिए ई स्वर है, ये भी स्वर है, यह ई की मात्रा है। मैं जहाँ जहाँ दिखा रही हूँ यहाँ ई का स्वर है और ई की मात्रा है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, अभी ये ई का अभ्यास आपको नीचे दिया गया है, तो आपको वो अभ्यास कल तक सॉल्व करना है, यानी कि नेक्स्ट क्लास तक आपको पूरा खुद ब खुद वो लिख कर रखना है। नेक्स्ट क्लास में ऊ की मात्रा हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।